आप सबों का स्वर्गवर्ण के बाद के लिए रविवार की आराधना में आपका स्वागत है। हम सभी स्वर्ग्रहण के बाद के रविवार में अपनी आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 672। आप जहाँ कहीं भी अपने घरों में हैं, गीत की किताब में से गीत क्रमांक 672 निकालिए। इसी से हम आज की आराधना का आरंभ करेंगे। Thank you.
हम आज की आराधना को प्रश्न प्रमाण एक के द्वारा करने पाएंगे, जिनकी किताब से प्रश्न प्रमाण एक ही परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। तुम्हारे स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाती हूँ। आमीन। स्वर्गारोहण ने बात का रविवार जिसके लिए हम इंट्राइड का पाठ सुन लेंगे जो हमें गीत की किताब में सुन, मैं ऊंचे स्तर से पुकारता हूँ। हालेलुया, तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो। मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी हूँ, अपना मुख मुझसे ना छिपा। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा मेरी ज्योति और उद्धार है, फिर मैं किससे डरूं। Amen.
सर्वशक्तिमान अनंत परमेश्वर हमें तेरी और भक्ति की इच्छा दे और हमें शुद्ध मन से तेरे ऐश्वर्य के सेवक बना उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदैव परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता है। आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ हम सुन लेते जो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64वां अध्याय उसके पहला और दूसरा पद। पुराने नियम का पाठ यशायाह 64 पहला और दूसरा पद। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। ये आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे आमीन। इसी के साथ हम आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री वचन का पाठ सुनेंगे जो हमें मिलता है पत्रस की पहली पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक। पत्रस की पहली पत्री 4वां अध्याय 7 से 11 पद तक। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब बात में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की बहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो वह शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम सभी दूसरे नंबर का गीत गाएंगे सुसमाचार के पाठ की तैयारी के लिए। गीत नंबर 510 आओ हम यहोवा के लिए। Yeah.
आज के पवित्र विश्राम वार के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ हम सुन लेंगे। कृपया मंडली के लोगों से या जो हमारे साथ आज की आराधना कर रहे हैं आपसे अनुरोध है कि जब सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाता है तो आप अपने स्थानों में खड़े होकर के इसको सुने। जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 26वीं आयत से लेकर के 16 अध्याय की 4वीं आयत तक सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 26वें पद से लेकर के 16वें अध्याय के 4थे पद तक जहाँ परमेश्वर के वचन में यो लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा भी इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। ये परमेश्वर का पवित्र सुसमाचार का पाठ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर बहुत आय से आशीष दे, आमीन। आइए हम सभी मसीही विश्वासी अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों में खड़े रहकर ही प्रेरितों के विश्वास वचन के अनुसार अपने मसीही विश्वास को अंगीकार करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसके इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौन प्रात के अधिकार में दुखों का क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर, आमीन। हम बचत की तैयारी के लिए गीत नंबर 44 गाएंगे, आवाज उठाएंगे। Thank you.
आप सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। आशा है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और प्रभु का अनुग्रह और दया आप सभी के ऊपर बहुत आयत से बना हुआ होगा। इन दिनों के अंदर में जबकि चारों ओर कोविड महामारी के द्वारा से मृत्यु का दूत घर घर जाकर दस्तक देकर लोगों के जीवनों को मार रहा है और करीब करीब 2 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर में कोविड से संक्रमित हैं तथा करीब करीब 2,25,000-30,000 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो गई है। ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है कि हम जो प्रभु के लोग कहलाते हैं हम यूं ही बैठे ना रहें, परंतु हम इस परिस्थिति के लिए हम कुछ कर सकें और खड़े रहकर परमेश्वर के नज़दीकी में हम पुकार सकें। क्योंकि जब हम अपने जीवनों की ओर देखते हैं तो हम जान लेते हैं कि हम बुलाए गए लोग हैं, हमारे ऊपर में परमेश्वर का आत्मा भारी रीति से कार्यशील है और हम इस पृथ्वी के ऊपर में विशेष लोग हैं। इफिसियों की पुस्तक में से जब पौलुस प्रेरित ने इस बड़ी मंडली को जो आसिया में इफिसियों का शहर था उसमें जब लिखा तो उसने उनको ये बताया, इस कारण में भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। पौलुस प्रेरित इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है कि तुमको ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा परमेश्वर पिता देने पाए और जब वो देगा तो क्या होगा, उस आगे लिखता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, इसका मतलब तुम्हारे अंदर में प्रकाशन आ जाए कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है कि उसके शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, इसका मतलब वही सामर्थ को जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर में उसको कब्र में से बाहर जीवित निकल जाने के लिए और उन शक्तियों को तोड़ धारने के लिए जो मृत्यु की सामर्थ्य हैं, कोविड की सामर्थ्य हैं या दूसरी जितनी भी बीमारी की सड़ाने गलाने की सामर्थ्य हैं, उसमें से उसने प्रभु यीशु मसीह को निकाल कर जयवंत रीति से अपने स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर विराजमान किया। वही शक्ति आपके अंदर में उपलब्ध है, वही सामर्थ आपके अंदर में उपस्थित है और आपका परमेश्वर आपके अंदर में कार्यशील है और आपको प्रभावशाली बनाया है कि आप इस रीति से वहाँ पर उसके साथ में स्वर्गीय स्थानों के ऊपर में बैठे। केवल बैठे ही नहीं परंतु वो इस प्रकार से भी पौलुस प्रेरित लिखता है, सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, ये उसकी देह और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। पूरी मंडली के तमाम लोगों के अंदर में एकता और प्रेम की आत्मा एक साथ मिलकर कार्यशील हो गई है ताकि आप स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ में पूरी मंडली वहां पर बैठाई जाए और सारी प्रधानताएं और अधिकार और सारी सामर्थ्य और प्रभुताएं आपके पैरों तले कुचल डाली जाएं और आप इस समय पर प्रभुता लेकर आप जो है एक साथ मिलकर खड़े रह सके और प्रभु को महिमा और आदर मिल सके और प्रभु को पूरे रीति से आदर मिल सके और मान मिल सके।
जबकि मरी का दूत मिस्र के अंदर में दसवीं उस विपत्ति के समय पर गुजर रहा था, तब उस समय पर मूसा को परमेश्वर ने हिदायत दिया था कि एबिब महीने के तब एबिब महीना जो पहला महीना था, लेकिन उसके बाद में ये निसान का महीना बन गया, 14वीं तारीख को इसको जो है मेमने को जो है गौधूली के समय पर बद करना था और उसके लहू को अपनी देवड़ियों के ऊपर में लगाना था ताकि मरी का दूत उनके परिवारों के अंदर में घुसने ना पाए, वो उलांग जाए। इसीलिए फसह का पर्व उलांगने का पर्व भी है। और जिस रात्रि में प्रभु यीशु मसीह सूली के ऊपर में मार डालने के लिए पकड़वा दिया गया, वो फसह का मेमना बन गया और मरी का दूत का सामर्थों को उसने तोड़ डाला, गिरा डाला, हरा डाला, कुचल डाला, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर वो जय को आपको दे दिया है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी बुलाहट को जाने पहचाने कि आप उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और निष्कलंक लहू के द्वारा से मरी के दूत में कोविड की सामर्थों के द्वारा से आप ग्रसित नहीं होंगे, परंतु आपके अंदर में जीवन और बहुतायत का जीवन कार्यशील है और आप उसके साथ में स्वर्गीय स्थानों के अंदर में विद्यमान लोग हैं और परमेश्वर के द्वारा से बुलाए गए लोग हैं। जब आप मिलकर प्रार्थना करेंगे, जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगी, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे देश के अंदर प्रभावशाली रीति से उन कैदियों को, उन बंदियों को जो कोविड की महामारी के द्वारा से इस दूत के द्वारा से मारे जा रहे हैं, वो दूत का खात्मा इस पृथ्वी के ऊपर में हो जाएगा। केवल यही नहीं, परंतु हम खड़े रहें उन लोगों के लिए जो कि परेशान हैं, दुखी हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रिय परिवार के अंदर में अपने रिश्तेदारों को खोया है, जिनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। हम मिलकर खड़े रहें ताकि हम उनकी सहायता और मदद को कर सकें। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उस समय पर पानी में से निकलकर जब वो बाहर आया, लूका रची सुसमाचार की पुस्तक अपन को इस प्रकार से बताती है कि वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह जो है यरदन नदी के किनारे पर जाकर प्रार्थना कर रहा था, तब पवित्र आत्मा उस पर कबूतर के नाई उतरा और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, आप उसके प्रिय पुत्र हैं। ये घोषणा पिता परमेश्वर आपके लिए करता है। ऊपर देखना चालू करें और ऊपर जब आप देखेंगे तो आपका पिता आपके बाजू में बैठा हुआ है, वो आपकी सामर्थ है और आपकी ताकत है और उसने घोषणा की है, मेरे बेटे और मेरी बेटियां, मैं तेरे साथ में बना हुआ हूँ और मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस समय पर जो हैं वो अपने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करें। चारों तरफ इस दूत ने जो है वो तांडव मचाया है, घर घर के अंदर में घुसा हुआ है। अभी कल ही के दिन में भोपाल में एक पास्टर की डेथ हो गई है, कई पास्टर लोगों के घर के अंदर में मृत्यु दूत ने अपने दस्तक को देकर प्रवेश किया है। लेकिन हम घबराए नहीं, डरे नहीं, विस्मित ना हो, हम ऊपर की ओर देखते रहें और जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी दाहिनी ओर हमारा पिता परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञानी है। और जब हम लो लगाकर प्रार्थना करना चालू करेंगे और लोगों के लिए मदद करना चालू करेंगे तो निश्चित ही हम इस मृत्यु के दूत से छुटकारे को प्राप्त कर पाएंगे और इसमें से निकलकर हम खड़े हो सकेंगे और परिस्थितियों के ऊपर में हम जो हैं अपने राई के दाने के विश्वास के कारण से हम जय को लेकर उस पहाड़ को ये कहेंगे कि समुन्द्र में जहाँ पड़ तो वह हमारे लिए ऐसा ही होगा।
मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 12वां अध्याय में से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उसकी तीसरी आयत से लेकर मैं पढ़ना मांगूंगा। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमेरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने में लाए। जो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेश उसे उनके सामने में लाने को था तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरे हुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में जो ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूती पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वे निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वे सचमुच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर जब लोहे के फाटक पर पहुँचे तो नगर की ओर है वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेश के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नाम एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचान कर उससे आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। प्रभु यहाँ पर एक बड़े काम को कर रहा है। यहाँ पर हेरोदेश राजा जो है वो अपनी संतलत का राजा है और इस समय पर रोमी संतलत जो है वो राज्य कर रही है और उन्होंने हेरोदेश को जो है बैठाया है। वो पतरस को इसलिए नहीं पकड़ा कि पतरस के सुसमाचार से वो जल गया था, परंतु उसने पतरस को इसलिए पकड़ा कि वो पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ को उठाना मांगता था, क्योंकि वो जानता था कि इससे यहूदी लोग खुश हो रहे हैं। और इससे पहले उसने याकूब का सिर भी कटवा दिया था और उसको मालूम था कि ऐसा करने से यहूदी लोग जो हैं मेरी तरफ अपना झुकाव लाएंगे और मुझे फिर से राज्य गद्दी के ऊपर में विराजमान करेंगे। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता था, वो चाहता था कि मेरे राज्य के अंदर में स्थिरता आ जाए, लोग मेरे विरुद्ध में भलवा ना करें। ये यहूदी लोग जो थे उस रीति से यदि सोचे तो ये जो छोटा सा अब बालक मसीहत का जो विश्वास था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो आगे की ओर कदम लगा रहा बढ़ा रहा था। लेकिन इस समय के ऊपर में यहूदी जो धर्म गुरु थे वो चिढ़ रहे थे। उनकी चिढ़ने की भावना ये थी कि किसी भी रीति से हम जो हैं इस विश्वास का अंत कर डालें। और अब उन्होंने जो है हेरोदेश के द्वारा से इनके अगुए पतरस को पकड़वा दिया था और वे पतरस को जब पकड़वा दिए थे उनको मालूम था कि हमको इसको मरवा डालना ही है किसी भी रीति से, अन्यथा ये दूसरे फिरके के लोग जो हैं वो प्रभावशाली रीति से कार्यशील हो जाएंगे।
लेकिन पतरस जो है वो जानता था कि दूध की उसको उसने जो है उसको पकड़ लिया गया है, दूसरे दिन उसको मार डाला जाएगा, लेकिन उसने जो है उसने जो है अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर में बना कर रखा। मंडली ने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर में बना कर रखा। वे जानते थे हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला हमारा परमेश्वर है। और आज हम घोषणा करते हैं आप सभी के साथ में मिलकर कि ये कोविड परिस्थितियां हमारे भाई बहनों के परिवारों के अंदर में घुसने नहीं पाएंगी, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो मार डालने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने मृत्यु के दूत को अपनी देह के ऊपर में लिया, उस सड़ाने गलाने की सामर्थ को अपनी देह के ऊपर में लिया, और जब तीसरे दिन वो मृत्यु का दूत वो सड़ाने गलाने की सामर्थ उसके ऊपर में हावी होना चालू कर दिया था, तब हमारे यीशु मसीह ने उसको पकड़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उसे सूली के ऊपर में ठंग कर उसके ऊपर में जय जयकार की ध्वनि की घोषणा कर वो जय को, वो जीवन की आत्मा को, वो बहुतायत के जीवन को, वो जोई जीवन को आपको और मुझको जो विश्वास करते हैं उसको दे दिया है। और ये छोटा झुंड घबराया नहीं, डरा नहीं, लेकिन ये लोग घुटने के ऊपर में आ गए। एक तरफ तो हम इस छोटे झुंड को दरवाजा बंद कर हम प्रार्थना करता हुआ देखते हैं, दूसरी तरफ जेल खाने के दरवाजे बंद हैं, 16 सैनिकों से के द्वारा से चार चार की तादाद में, और तथा जेल खाने के अंदर में दो सैनिक एक तरफ और दूसरा सैनिक दूसरी तरफ इसकी रखवाली कर रहे हैं, लेकिन पतरस सो रहा है आराम से, वो जो है वो घुर्राटा मार रहा है, क्योंकि उसके मालूम है जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना मेरे लिए नफा है। हे छोटे झुंड मत घबराओ, प्रिय भाइयों बहनों मत घबराओ, स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है, स्वर्ग की ताकत आपके लिए खड़ी हुई है। जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा है तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, और अपनी सामर्थ्य के द्वारा से वो हिलाने वाली की ताकत को रखने वाला आपका सामर्थ्य परमेश्वर है। वो जानते थे अपना आत्मिक मलयुद्ध क्या होता है, वो जानते थे ठीक है हमारे घुटने टिके हैं, हम आंसू बहाकर आहें भर भर कर गिड़गिड़ाकर हम प्रार्थना अपने अगुओं के लिए कर रहे हैं, हमको मालूम है ये मृत्यु की सामर्थ्य, हमको मालूम है ये राजनीतिक ताकत जो हेरोदेश की सामर्थ है, उनको मालूम है ये यहूदी फिरके की धर्म की आत्माएं जो हैं वो तोड़ी जाएंगी हमारी प्रार्थना के द्वारा से, और जो जीवन और व्यवहारिक का जीवन है उसकी जय होगी और परमेश्वर को महिमा और आदर मिलेगी। वे अपने आत्मिक मलयुद्ध को जानते थे, और मैं आज घोषणा करना मांगता हूं कि आपके घुटने के अंदर में आकर झुक जाने के द्वार से स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक की सामर्थ्य जो है वो घबरा जाती हैं, वो जो हैं वो विस्मित हो जाती हैं, वो कुछ नहीं कर सकती आपके विरुद्ध में, वो कोई बलवा नहीं कर सकती आपकी इस प्रार्थना के द्वारा से। यहाँ पर प्रार्थना का जो तरीका है वो सात पॉइंट के अनुसार नहीं है, वो 10 पॉइंट के अनुसार नहीं है, वो लिखित रीति से नहीं है, लेकिन वो परिस्थिति को देखकर हृदय के अंदर में से गिड़गिड़ाने की आत्मा के द्वारा से वो जो है परमेश्वर को आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है उसके द्वारा से। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी पुरुष था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेहर ना बरसे, तो 3.5 साल तक मेह नहीं बरसा। ऐसी प्रार्थना की आह्वान उन्होंने किया था, ऐसे झुंड के अंदर में वो इकट्ठा हुए थे और वो प्रार्थना मिलकर कर रहे थे। जो कलीसिया है उसको प्रार्थना करना अनिवार्य है इस समय पर, जबकि मृत्यु दूत चारों ओर घूम रहा है, घर घर के दरवाजों को खटखटा रहा है, वो इधर उधर जाकर जो भी लोग उसे मिलता है चुपचाप उनके घरों के अंदर में घुस जा रहा है। कैसे हम शांत बैठ सकते हैं, कैसे हम इन बातों को अनदेखा कर सकते हैं, कैसे हम इसको जो है कह सकते हैं
ठीक है हमारे परिवार के ऊपर में नहीं आया है, हम बच गए हैं, हमारे ऊपर में कोई विपत्ति नहीं है, तो हम ऐसे ही जाने देंगे, नहीं। लेकिन अब बुलाहट आ गई है, किसी भी समय पर हमारा छुटकारा बहुत नज़दीक है, किसी भी समय पर यीशु मसीह आसमान के ऊपर में बादल की सवारी कर कर आने वाला हमारा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब भी कोई माता अपने बच्चे को पैदा करती है, तब वो पैदा कर कर उसे सड़क के ऊपर में अनार तो दुखी छोड़कर ऐसे ही नहीं चली जाती है कि ठीक है बच्चा तो तेरी सुधी कोई भी ले लेगा। लेकिन ये मंडली अभी अभी थोड़े समय पर, जो प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय, वहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जब पतरस और बाकी 120 लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेली गई है, ये अब जो है इनका यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह स्वर्ग पर चला गया है, लेकिन उसने आश्वासन दिया है, मैं तुम्हें अनार्थ तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दुखी नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक को देता हूँ जो सर्वदा तुम्हारे साथ में बना रहेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ में, आपके घर के अंदर में, आपके घुटने के झुकाए जाने के उस वेदी के पास में, वो आपके अंदर में निवास करने वाला वो सामर्थी परमेश्वर है, और आप अनार्थ नहीं हैं, आप दुखी नहीं। और ये चर्च जानता था कि हम अनार्थ नहीं हैं, हम दुखी नहीं हैं, लेकिन ये जानता था कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थी है, वो विश्वास योग्य है। हिजकिय्याह राजा के चारों ओर जब सन्हेरीब के सैनिकों ने उसको घेर लिया था, वो यरूशलेम के ऊपर में चढ़ाई करने वाले थे, लाकीश के अंदर में उसने अपना पड़ाव डाला था, लेकिन वहाँ से जब उसने अपने 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 दूतों को भेजा कि हिजकिय्याह राजा को चिट्ठी दे दो, तब उन्होंने चिट्ठी दे दिया और वे जो हैं यहूदी भाषा में ही उस चिट्ठी को पढ़ने लगे, वे घबरा गए, वे डर गए। लेकिन हिजकिय्याह राजा ने यशायाह के द्वारा से उस चिट्ठी को परमेश्वर की वेदी के ऊपर में रखा, उसने प्रार्थना किया, उसने निवेदन किया, और परमेश्वर ने एक दूत को भेजा जो 185,000 सैनिकों को उसने मार डाला, खत्म कर डाला। ओ सन्हेरीब राजा बड़ा दुखी होकर अश्शूर की राजधानी निनवे में पहुंचा, मंदिर के अंदर में वो दुआ मांग रहा था, लेकिन उसके ही दो लड़के आए और उन्होंने उसको मार डाला, खत्म कर डाला। जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, इस मृत्यु ठंडव के कोविड दूत को मार डालने वाला परमेश्वर है। एक स्वर्ग दूत उस प्रार्थना के द्वारा से वो जो है छूट, वो जो है स्वतंत्र कर दिया गया है। जिब्राइल और मिखाएल जब दानियल की प्रार्थना को सुनकर वो जो है वो फारस के उस प्रधान के द्वारा से रोके जाने के ऊपर में परमेश्वर ने स्वर्ग की संतलतों को हिला डाला, और दानियल की प्रार्थना का जवाब देने के लिए 21वें दिन वो जिब्राइल स्वर्ग दूत उसके पास में पहुंच गया। आपके पास में वो दूत आ गया है, आपके पास में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई है, और आप दुखी और अनार्थ नहीं है, परंतु आपकी प्रार्थना वो उन पहाड़ों को हिला डालने और उनको समुद्र के अंदर में डुबो डालने की सामर्थ रखती है। और जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार आप जो चलते हैं, परमेश्वर उस सिद्ध इच्छा के अनुसार आपके साथ में चलने वाला परमेश्वर है। कैसे पतरस तू आराम से सो सकता है, जबकि ऐसा बड़ा तूफान तेरी जिंदगी में कल आने वाला है कि तुझे लोगों के सामने में लाकर तेरा भी खात्मा कर डाला जाएगा। वो बोलता है, तुम नहीं जानते उस राज को कि जिसके अंदर में परमेश्वर है, उसमें मैं सब बातों को कर सकता हूँ। जो मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हेरोदेश हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या ये फरीसी और सदूकी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं।
वो आराम से सो रहा है। यीशु मसीह के बारे में मैं आपको याद दिलाना मांगता हूँ, जबकि वो नौका के अंदर में बैठकर उस पार जा रहे थे, वो आंधी और तूफान चल रहा था, यीशु मसीह नौका के अंदर में सो रहा था, चेले घबरा रहे थे, डर रहे थे, और जब चेले घबरा रहे थे डर रहे थे तब उन्होंने जाकर यीशु मसीह को उठाया और यीशु मसीह ने उस आंधी को डांट कर थमा दिया। आओ भाइयों, खड़े हो जाओ, अब खड़े हो जाने का समय है, इस आंधी को डांटने का समय है। जब भी डर होता है, डर इसका मतलब कोई परिस्थिति के कारण से भय की आत्मा कि हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये बात जो हमारे ऊपर में है इसमें हम हार जाएंगे, उसी बात को हम डर बोलते हैं। लेकिन यहाँ उस बात को बोलते हैं, परमेश्वर में मैं सब बातों को कर सकता हूँ और ये मेरे लिए संभव है कि जब ऐसी परिस्थिति में इवन चारों ओर आग भी लगी हुई है तो भी वो आग आपको छू नहीं पाएगी, यदि पानी भी बढ़ रहा है तो पानी भी आपको डुबो नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे समय पर परमेश्वर जो आपके साथ में है वो आपके साथ में खड़ा रहकर आपकी मदद और सहायता को करने वाला परमेश्वर है। और इनकी प्रार्थना सुनकर एक स्वर दूत ने वो जो है कोठरी के अंदर में ज्योति चमकी और पत्रस की पसली पर हाथ मारकर उसको जगाया और कहा उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर गई। आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप कितनी भी कड़क जंजीरों से जकड़े क्यों ना हो, चारों ओर आपके ऐसे तूफान ऐसे सैनिक क्यों ना खड़े हुए हो, लेकिन जब आप प्रार्थना करना चालू करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ स्वर्गदूतों की गतिविधियाँ आपके चारों ओर कार्य करने लगेंगी और उस परिस्थिति में से आपको छुड़ाकर खड़ा कर आपकी पसली में हाथ मारकर कहना चालू करेंगी, ये परिस्थिति को तेरे ऊपर में हावी हो नहीं दूंगा, परंतु इस परिस्थिति में से मैं निकाल कर खड़ा करूंगा। यहां पर यूं कहा गया, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। आइए आज कमर बांध कर हम कस कर हम अपने जूती पहनकर हम तैयारी करें। यही बात को जब फसे का मेमने का वो खाना था, वो अपने परिवार के साथ में खाना था, यही बात को अपन वहां पर पढ़ता हुआ देखते हैं, क्योंकि निकल जाने का समय आ गया है। आइए देखें, निकल जाने का समय आ गया है, वो घंटी बज रही है, वो पीड़ा का समय आ गया है, पृथ्वी दर्द से चिल्ला रही करहा रही है और वो पीड़ा हो रही है, किसी भी समय पर तूरी का शब्द सुनाई देगा और प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय पर बादल की सवारी कर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु वो आ रहा है और वो हमें शीघ्र ले जाने के लिए वो आ रहा है। हमारा छुटकारा निकट है, हमारी छुड़ोत्री बहुत निकट है, और जब हमारी छुड़ोत्री बहुत निकट है आइए अपन तैयारी करें, आइए अपन जो हैं उन दरवाजों की ओर देखना चालू करें। पहला दरवाज़ा भी बंद है, दूसरा दरवाज़ा भी बंद है, और शहर का वो लोहे का दरवाज़ा भी बंद है, उन दरवाज़ों को कौन खोलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर यूँ कहता है प्रकाशित वाक्य इसकी पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसकी आठवीं आयत में, तेरे काम को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। यदि आप मेरे साथ में हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये बंद दरवाजा खुला हुआ है, आपके लिए मृत्यु का कोई दंड नहीं है, आपके लिए सड़ाने गलाने की सामर्थों का कोई अधिकार आपके ऊपर में नहीं है। आइए खड़े हो जाए, आइए भाई बहन, आइए कलीसिया, एक मन होकर प्रार्थना करना चालू कर दीजिए।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका चौथा अध्याय पहली आयत से लेकर तीसरी आयत, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तूरी के से शब्द के से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिसका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग पर धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वे यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। एक ऐसा दरवाजा है हमारे लिए, ओ हमारे विश्वास के द्वारा से, हमारी आज्ञा पालन के द्वारा से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के इनकार न करने के द्वारा से एक ऐसा दरवाजा हमारे लिए खुला है जो हमको ऊपर की ओर आह्वान देता है। हमारे परमेश्वर के पास में वो 24 प्राचीनों के पास में वो चार प्राणियों के पास में हमें ले जाकर खड़ा करता है, हमारे पिता के पास में खड़ा करता है और यीशु मसीह के हम सहकर्मी हो जाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर में। और इस आशय के साथ में हम खड़े होकर आज घोषणा करना मांगते हैं कि हमारे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा, कोई परिस्थिति हमको नहीं घेर पाएगी, कोई भी बात हमें घबरा नहीं पाएगी, कोई भी बात हमें डराने नहीं पाएगी। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वे सचमुच है, वरन वे समझता था कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। सो जिन्होंने उसका वचन हम दर्शन नहीं देख रहे हैं, परंतु ये वास्तव में हमारे लिए होने जाने वाली बात है। 10वीं आयत 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, तब वे पहली और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया। आपके लिए ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे, शायद आपका प्रमोशन रुका हो, शायद आपके लिए कोई ऐसी बात रुकी हो, लेकिन आपके लिए सारी बातें हाँ और आमीन के साथ में होने जा रही हैं। और पतरस जब अपने लोगों के मध्य में आया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया तो रूदे ने दरवाज़ा नहीं खोला, खिड़की बस खोल कर झाँक कर देखा। ये मरकुस की माता मरियम का घर था, जो कि पौलुस के साथ में जिसने पहली मिशनरी यात्रा किया था, बर्नबास का ये भतीजा था जिसने मरकुस रची सुसमाचार की पुस्तक को लिखकर जो बाद में पतरस के साथ में सहकर्मी हो गया था और पतरस के साथ में और पौलुस ने अंतिम समय पर जबकि वो दूसरा तिमोथी की पुस्तक लिख रहा है उसमें कहता है मरकुस को भी साथ लेकर आना क्योंकि वो बड़े मेरे बड़े काम का है। प्रिय भाइयों बहनों, इन्होंने अपना घर खोल दिया था, इन्होंने अपना परिवार खोल दिया था, इन्होंने मंडली के लिए अपने परिवार को खोलकर प्रार्थना रात रात भर करने के लिए खोल दिया था। आइए अपने स्थानों को लेना चालू करें, आइए अपने पोजीशन को लेना चालू करें कि वो जो हमारे लोग हैं, वो जो भारत देश के अंदर में लोग सताए जा रहे हैं, ये मृत्यु का दूत इधर उधर तांडव मचा रहा है, हम घोषणा करें कि हम कलेक्टर्स कमिश्नर्स के साथ में, पुलिस डिपार्टमेंट, हम हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के साथ में, हमारी नर्सें, हमारे डॉक्टर, हमारे भाई बहन जो सड़कों के ऊपर में कार्य कर रहे हैं मानवता को बचाने के लिए, और हम जो मिलकर मंडली के रीति से लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं, हम जो हैं किसी भी रीति से हमारी प्रार्थना का असर खाली नहीं जाएगा और हम इसी रीति से प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा से इनकी रखवाली करेगा। और परमेश्वर सारी बातों को नॉर्मलाइज करने वाला हमारा परमेश्वर है और हमारा ईश्वर है और वो आपकी प्रार्थना का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम अपनी आशीषों को देख नहीं पाते हैं जो हमारे घर में खटखटा रही हैं, शायद हम उन दरवाजों को खोलने नहीं पाते हैं क्योंकि हम समझते हैं हाँ आत्मा के रीति से होगा। लेकिन मैं आज आपके लिए घोषणा करना मांगता, वो आत्मा के रीति से ही नहीं परंतु वो भौतिक रीति से भी आपके लिए उपस्थित रहने वाला हमारा परमेश्वर है। थोमा ने बोला मैं विश्वास नहीं करता, ओ जब यीशु मसीह बंद कमरे में आकर उससे यूं बोलने लगा अपने अपना हाथ मेरी पसली में डाल कर देख ले कि मैं वास्तव में वही हूँ,
हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उस नाश्ते को खाया अपने दूत अपने चेलों के साथ में, जब वो गलील की झील के उप किनारे पर आकर अपने चेलों के पास में उसने बुलाया था, जब ये मच्छी पकड़ने के लिए उतर गए थे। मैं आज आह्वान देता हूँ, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भारत देश को बचाने वाला, हमारा परमेश्वर कोविड महामारी से लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, बरकत दे पास्टर साहब के लिए, और मैं भाई एलेक्जेंडर के लिए, मेरे बड़े भैया के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर देते हैं। मंडली के तमाम लोगों को मैं आपके हाथ में लाकर समर्पित कर देता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु राजा, आप प्रत्येक भाई बहनों को छूना प्रभु राजा, आप प्रत्येक भाई बहनों के अंदर उपलब्ध है प्रभु यीशु मसीह, आप प्रत्येक भाई बहनों के जीवनों के अंदर में विद्यमान है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर देते हैं, पूरी मंडली को और तमाम भारत देश की परिस्थिति को हम तेरे हाथ में लाकर समर्पित कर देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन फिर आमेन। आज के सुंदर वचन के लिए हम प्रभु के दास पास्टर सैमुएल फ्रांसिस का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज सुंदर वचन हमारे कलीसिया के बीच में रखा। विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा से कलीसिया के लोगों ने और आप सबों ने आशीष पाई है, और जो शिक्षा उन्होंने आज वचन के माध्यम से हमारे बीच में रखी है, हम विश्वास करते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना में बढ़ते रहेंगे अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए, कलीसिया के हर एक बीमारों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, कि प्रार्थना के द्वारा से हमारा देश, हमारी कलीसिया, हमारे लोग जो कि हो सके स्वस्थ होके भले चंगे होके फिर से परमेश्वर के भवन में आराधना स्तुति के लिए लौट सके। सो हम प्रभु के दास का फिर से धन्यवाद देते हैं। जानते हैं कि पास्टर सैमुएल फ्रांसिस भोपाल से हैं, हालेलुया चर्च के पासबान हैं, एक अच्छी मंडी, एक अच्छी सेवा प्रभु ने उन्होंने दिया है, और धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने अपने संदेश को रिकॉर्ड करके हमारी कलीसिया में रखा है। सो हम उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए परमेश्वर से बड़ी आशीष की प्रार्थना को बोलते हैं। मृत्यु सूचना सुनेंगे। आज हमको हमारी मरणाधीनता का नया स्मरण कराया जाता है, जबकि सुनाया जाता है कि ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार श्लोक से मिसेस मैरी चैम्बर को दिनांक 13 मई 2021 को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। आइए हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम अपनी कलीसिया में इस रविवार को मनाने पाए। हम जानते हैं कि हम भवन में इकट्ठे होकर आराधना स्तुति नहीं कर सकते, परंतु प्रभु जी जो माध्यम आपने हमारे लिए रखा है कि हम उसके द्वारा आराधना करें, प्यारे पिता आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपके दास के द्वारा से पास्टर सैमुएल के द्वारा से हमारे बीच में रखा गया है। विश्वास करते हैं कि जो वचन हमने सीखा है हम उस पर प्रभु जी चलेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, और बहुत से लोगों के लिए जिनके लिए निरंतर हमने प्रार्थना करी, प्रभु जी आपने हमारे लोगों को चंगा किया है, और भी हमारे कलीसिया के वो लोग जो इस वक्त अस्वस्थ हैं, बीमार हैं कोविड-19 के कारण से प्रभु जी बीमारी में फंसे हुए हैं, प्यारे पिता हम उन सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह में आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। अपने छेदे हुए हाथों से प्रभु जी अपने लोगों को छुएं, स्पर्श करें प्यारे पिता, उनके बिस्तर को पलट दें प्यारे पिता, विशेषकर जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी हम उनके लिए बड़ी चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं कि प्रभु जी आप सामर्थ्य के साथ उन्हें छूइए प्यारे पिता, उस हॉस्पिटल से उठा करके अपने घर में लाइए और गवाही के लिए प्रभु जी इस्तेमाल करिए। और भी लोग प्रभु जी जो घरों में हैं प्यारे पिता अस्वस्थ है, हम सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। विशेषकर प्रभु जी हम चैम्बर परिवार को स्मरण करते हैं, मिसेस मैरी चैम्बर को प्रभु जी आपने दिनांक 13 मई 2021 को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। उस परिवार के लिए हम आपसे शांति की प्रार्थना को बोलते हैं। जब तक जीवन प्रभु जी आपने उन्हें दिया था, आपने उन्हें इस पृथ्वी पर रखा और अपनी इच्छा के तहत उन्हें अपने पास बुलाया, सो प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी आप उन्हें ग्रहण करें, उनकी आत्मा को ग्रहण करें प्यारे पिता, और अपनी शांति सुकृत परिवार में, पूरे चैम्बर परिवार में प्रभु जी आपकी बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। सारी बातों के प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक लोगों पर आपकी आशीष की प्रार्थनाओं को बोलते हैं। हमारे जितने भी लोग जो बरहाते में रहते हैं, स्कूल कंपाउंड में रहते हैं, न्यू किशन कॉलोनी में रहते हैं प्यारे पिता, कारखाना में रहते हैं, सिटी एरिया में रहते हैं, और
मनोरमा कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ कहीं प्रभु जी हमारे विश्वासी लोग रहते हैं, हर एक के चारों ओर प्रभु जी आपके सौदूत रहे, ताकि हमारे लोग स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे और अपने घरों में रह करके निरंतर आपकी आराधना, आपकी स्तुति, प्रार्थना और वचन प्रभु जीवन बिताने वाले हो सके। आज की वचन की आशीष के लिए और आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनी दया से कहने के लिए आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब वस्तुओं के कर्ता और रक्षक, हम तुझको पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर कृपा कर और हमारे पापों को स्मरण ना कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पवित्र कर और पवित्र चाल चलने का अनुग्रह दे। अपने वचन और पवित्र साक्रामेंटों के द्वारा सब मसीहों को एकत्र कर, सशक्त कर और पार। हे प्रभु, सब लोगों पर जो अब तक अज्ञानता और मृत्यु के अंधकार में है, दया कर और अपने मुक्तिदायक अनुग्रह को प्रकाश और जीवन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा उन पर उदय होने दे और अपने वचन के प्रचारकों को अपनी सामर्थ्य और साहस से सशक्त कर, उनको जो धर्म के कारण सताए जाते हैं अपने अनुग्रह से संभाल। विश्व की कलीसिया, उसकी सब मंडलियों और सब पास्टरों को आशीष दे। हे परमेश्वर, सब जाति गणों में से आपसे अविश्वास और बैर भाव को निकाल कि पृथ्वी पर शांति का वास हो। हमारी मातृभूमि की रक्षा कर, हमारे प्रिय राष्ट्रपति को आशीष दे। हमारे देश में अच्छे शासन और उसकी रक्षा के लिए हमारी सरकार और सब विश्वास योग अधिकारियों की और समस्त सेना की सहायता कर, न्याय और धार्मिकता को प्रबल कर और हमें तेरे नाम का भय मानने वाला बना। हे परमेश्वर, हमें अपने अपने उचित कार्यों में हर्ष दे और ऐसा कर कि हम एक दूसरे की सेवा और सहायता करने में तत्पर हो। अपनी आशीष भूमि की उपज पर, सारे ऊंचे धंधों और पदों पर रहने दीजिए। हे परमेश्वर, हमारे सब परिवारों को आशीष दे और यह वर दे कि हमारे बालक और जवान सच्चाई और तेरे भय में आगे बढ़ते जाए। कृपा करके सब कंगालों और अनाथों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। सब रोगियों और मृत्युओं को शांति दे। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य संभाल और इस आसमान जीवन के पश्चात अनंत परम सुख दे, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर के प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया वैसे हमारे अपराध को क्षमा कर और हमें कुछ क्षमा ना करना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रभुत्व और महिमा सदा तेरे है, आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे,
प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नंबर 661 बादल की सवारी करके परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती है। आमीन।